हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। 9 सितंबर ये वो तारीख है जिस दिन ये डिसाइड होना था कि बॉलीवुड का आगे क्या होगा। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म जिसका नाम ब्रह्मास्त्र है वो रिलीज होनी थी। पिछले कई सालों से इस पर काम चल रहा था, 400 से 500 करोड़ के आसपास का इसका बजट था। तो ऐसे में उम्मीद ये थी कि जिस तरीके से बॉलीवुड का डाउनफॉल हो रहा है, क्या ये फिल्म बॉलीवुड की नैया पार लगा पाएगी या नहीं। रणबीर आलिया के साथ में ये पहली फिल्म थी, अयान मुखर्जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये फिल्म डिसाइड करने वाली थी कि अयान मुखर्जी के करियर का आगे क्या होगा। करण जौहर, जिन पर तमाम तरह के आरोप लगते हैं, उनका पैसा लगा हुआ था, यानी कि वो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर ये चारों पांचों लोग लाइमलाइट में थे, इन पर सारा फोकस था। और फिर वो दिन आया, यानी कि 9 सितंबर आई और उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा। ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई और अब तक इस फिल्म ने 75 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। वैसे इसका अंदेशा तभी से लगना शुरू हो गया था जब फिल्म की ऑनलाइन टिकट बुकिंग चल रही थी। आपने भी ये खबर पढ़ी होगी, जबरदस्त तरीके से इसकी बुकिंग हो रही थी। जितनी भी एडवांस बुकिंग थी वो बहुत तेजी से हो रही थी और इसी से ये आंकड़ा लगाया जा रहा था कि अकेले भारत में फिल्म 25 से 30 करोड़ का बिजनेस कर लेगी। अब जब ये पूरा आंकड़ा निकलकर सामने आया, यानी कि वर्ल्ड वाइड आंकड़ा निकलकर सामने आया, तो इसने कलेक्शन किया 75 करोड़ का। करण जौहर ने खुद इस बात की जानकारी अपने ट्विटर पर दी है। अब 75 करोड़ का कलेक्शन तो चलिए हो गया, ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले वक्त में ब्रह्मास्त्र क्या गुल खिलाएगी ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। लेकिन इन सबके बीच यहां पर आपको एक और बात बताते चलें कि ब्रह्मास्त्र को लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि जहां पर अमूमन आप 11 बजे का लास्ट शो देखते होंगे या 12 बजे का देखते होंगे, 2:30 बजे के शोज भी हाउसफुल जा रहे हैं। जी हाँ, ये खबरें मिल रही हैं कि 2:30 बजे भी लोग वक्त निकालकर ब्रह्मास्त्र देखने के लिए जा रहे हैं। रणबीर के काम की सराहना हो रही है, आलिया भट्ट को जबरदस्त तरीके से प्यार मिल रहा है, अयान मुखर्जी के डायरेक्शन को काफी पसंद किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ब्रह्मास्त्र से जैसी उम्मीद की जा रही थी उससे ज्यादा का इसने बिजनेस किया है। और हाँ, वो जो बॉयकॉट गैंग था वो अब चुप हो गया है, क्योंकि अगर आप ट्विटर खोलकर देखेंगे तो आपको #boycottbrahmastra अब नहीं दिखेगा। तो ऐसे में ये जो पूरा एजेंडा चलाया गया था वो कहीं पे अब डाउनफॉल होता हुआ इसका नजर आ रहा है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र, आलिया और रणबीर सब ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल, आपने ब्रह्मास्त्र देख ली है तो कमेंट करके जरूर बताइए, नहीं देखी है तो भी बताइए क्या देखने की प्लानिंग कर रहे हैं।